पूरी ठंडी अगर आप इस लड्डू को डेली एक एक खाते हैं तो इससे जो है आपके हेयर स्किन और हड्डियों के जो दर्द रहते हैं कमर और घुटनों के वो आपके ठीक रहेंगे और साथ ही साथ आपके जो हेयर में डेंड्रफ आते हैं वो भी नहीं आएंगे। और इसे आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 200 ग्राम अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। इसे अच्छे से चून के लें, इसमें बहुत छोटे छोटे कंकड़ आते हैं। और इसके लिए हम यहाँ लेंगे 200 ग्राम गुड़। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसे 250 ग्राम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ सिर्फ काजू और आलमंड, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही लेंगे 50 ग्राम हम यहाँ पे गोंद, इसे आप ज़रूर डालें। इससे से जो है हड्डियाँ आपके दर्द नहीं होंगी। और लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए 50 ग्राम तिल और यहाँ 3 चम्मच हम लेंगे घी और साथ में ही आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अलसी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसमें उसका खुद का ऑयल रहता है जिससे अलसी जो है अच्छे से रोस्ट हो जाती है। और इसमें से जो है थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद आवाज़ें आती है, वो आवाज़ जब बहुत ज़्यादा स्पीड में आए तब तक भी आपको इसे रोस्ट कंटिन्यू करते रहना है। और जब ये थोड़ा सा साउंड कम होने लगे तो इसका मतलब आपका अलसी जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तिल को और इसे भी अब हम मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है और इसे हमें इसी तरह कंटिन्यू रोस्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी रोस्ट हो चुका है तिल हमारा, तो इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच घी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। तो पहले हम यहाँ पे आलमंड को डाल दे रहे हैं क्योंकि इसे रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम लो करके बादाम को रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर रोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें काजू को भी डाल देंगे और दोनों का अब हम रोस्ट करेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ हमारा काजू और आलमंड जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसमें हम बहुत ज़्यादा घी का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ठंडियों के मौसम में जो है हम जब इस लड्डू को खाएंगे तो हमारे मुंह में घी चिपचिपा टाइप का लगता है। तो यहाँ पे जो गोंद को है हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये कच्चा ही रह जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारे चीज़ें जो है अच्छे से ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे आप गोंद देख सकते हैं कितने अच्छे से ये टूट जा रहा है। इसके मतलब हमारा गोंद अच्छे से रोस्ट हुआ है। और यहाँ पे हम एक ही साथ इसे मिक्सी में डाल के नहीं पीसेंगे, इसमें आधा आधा करके हम डालेंगे और पीसेंगे। इसे हमें हल्का दरदरा पीसना है। तो यहाँ पर हमारा अलसी का बीज और तिल जो है पीस के तैयार हो चुका है। तो अब ड्राई फ्रूट्स को भी हम मिक्सी में ही डाल के पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंडर को इस तरह दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी बारीक कट कर सकते हैं। और इस गोंद को भी मैं इसी तरह मिक्सी में ही डाल के थोड़ा सा हल्का दरदरा पीस लूँगी। इससे जो है हमारा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसमें अब हम इलायची पाउडर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस लड्डू को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे आप अगर एक बार बना लेते हैं तो ये आपके महीने तक एकदम भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हम इसमें जो है एकदम भी पानी का यूज नहीं करेंगे। और ये जितनी दिन भी आप रखेंगे इसका टेस्ट जो है एकदम भी ख़राब नहीं लगता है। आप गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। इसे हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनाना, सिर्फ इसे मेल्ट ही करना है। तो यहाँ गुड़ देख सकते हैं धीरे धीरे अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी तरह हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। तो गैस बंद हो चुका है और अब देख सकते हैं इसके बबल आने बंद हो चुके हैं। तो इसे अब हम इसमें डाल देंगे। तो गुड़ जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे एकदम भी हाथ ना लगाए और पहले हम इसी तरह इस पलटे से ही इसे मिक्स करेंगे और इसे हम हल्का गुनगुना रहे उसी समय इसके लड्डू को हमें बनाना है। जब ये ड्राई हो जाएगी यानी कि पूरी ठंडी तो आपके लड्डू जो है वो अच्छे बनेंगे नहीं।
तो ये अभी हल्का सा गर्म ही है, हाथ में हल्का हल्का घी लगाएं और इसका लड्डू को बनाते जाएं। इनकेस अगर आपकी मिश्रण जो है पूरी ठंडी हो जाए और वो लड्डू नहीं बने तो आप फिर से गैस को ऑन करें और इसे हल्का सा गर्म कर लें लो फ्लेम पे। कुछ ही सेकंड में ये जो है गर्म हो जाएगी और फिर से इसे आप लड्डू इस तरह बना सकते हैं। पर इसमें पानी का यूज एकदम भी नहीं करें, नहीं तो आपके लड्डू जो है बहुत ज़्यादा दिन रहेगी नहीं और वो ख़राब हो सकती है और इसका टेस्ट भी जो है ख़राब हो सकता है। तो हम इसी तरह सारे लड्डू को बना लेंगे। ये लड्डू मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, तो आप इसे घर में ही बहुत आसान तरीके से इस तरह बना के महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें।